रोड की ट्रैफिक लाइट्स के बारे में आपको गलत जानकारी है। क्या गलत जानकारी है? वीडियो पूरी देख लेना, जान जाओगे। ये तो आपको पता ही होगा कि पहले रोड पे रेड लाइट होती है, फिर येलो, फिर ग्रीन, लेकिन ये क्यों होती है ऐसा मैंने 30 जनों से पूछा लगभग, लेकिन एक ने भी सही आंसर नहीं दिया और वो सारे 18 साल से ऊपर के थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। मेरा सवाल ये था कि ये बताओ कि रेड लाइट होती ही क्यों है, और होती है तो ये कभी कभी 90 सेकंड तक क्यों पहुंच जाती है। उनका कहना था कि ये पहले से ही शेड्यूल्ड और सिस्टमैटिक होता है। उनका कहना था कि चाहे ट्रैफिक हो या फिर ना हो, ट्रैफिक लाइट रेड, ग्रीन, येलो तो होंगी ही, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ट्रैफिक लाइट रेड तभी होगी जब उस रोड पे ट्रैफिक है, वो कभी भी रेड हो ही नहीं सकती बिना ट्रैफिक के। और जब ज्यादा ट्रैफिक होता है तो वो 90 सेकंड तक पहुंच जाती है। अगर आप भी यही मानते थे कि ये सब सिस्टम होता है कुछ समय के लिए इधर की रेड लाइट और कुछ समय के लिए उधर की रेड लाइट, होनी ही है चाहे ट्रैफिक हो या ना हो, तो आप गलत हो। ट्रैफिक होगा तो ही रेड लाइट होगी, बिना ट्रैफिक के आपको कोई नहीं रोक सकता, आप किधर भी मुड़ाओ किधर भी जाओ। अगर ये बात आपको पहले पता नहीं थी तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।